अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर ज़ाहिदा परवीन, पीएचडी स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्पेशल एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोहरमाल कैंपस लाहौर. दिस इज़ द कोर्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स टू हेयरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन एंड दिस कोर्स इज़ फ्रॉम एम ए स्पेशल एजुकेशन with an area of specialization of hearing impairment. The course code is SPED 4133, and this is a 3 credit hours course. The topic for today's lesson is games based learning. So in game based learning, this is a basically type of game play that has defined learning outcomes. Generally, games-based learning is designed to balance subject matter with gameplay and the ability of the player to retain and apply said subject matter to the real world. So, इस teaching method में games को as a tool use किया जाता है ताकि बच्चे games-based learning जो है उसके through अपने learning outcomes को achieve कर सकें. So, it means के ये games-based learning जो है ये ऑब्जेक्टिव लेस नहीं होती, बल्कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जो उनके सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फ्रॉम द टीचर साइड उनको अचीव करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट गेम्स इन द क्लासरूम. और ये स्टूडेंट्स खुद से इन गेम्स को डिज़ाइन नहीं कर रहे होते, बल्कि टीचर्स ने ही डिज़ाइन की होती हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग होती हैं. और उसी सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग टीचर्स इसको डिज़ाइन करते हैं और बाद में उनको यूज़ करते हैं अपनी क्लासरूम्स के अंदर. और इसमें बच्चों में ये एबिलिटी डेवलप करना कि वो जो भी कुछ उन्होंने लर्न किया है सब्जेक्ट मैटर थ्रू द यूज़ ऑफ गेम्स बेस्ड लर्निंग उसको वो रिटेन करें अपनी मेमोरी में और फिर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के अंदर वो उसको अप्लाई कर सकें. हेयर आर फ्यू फीचर्स ऑफ गेम्स बेस्ड लर्निंग. Defined learning outcomes, meaningful learning experiences. ये दोनों जो हैं ये characteristics होते हैं games based learning के because learning outcomes should be clearly defined when we are using games based learning in our classrooms and then the teacher should provide meaningful learning experiences to the children. क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप games कोई ऐसी design कर लें जो कि मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड ना कर रही हूँ, बल्कि इंस्टेड उसकी ज़्यादातर जो है वो फोकस सिर्फ गेम्स के ऊपर हो और बच्चे उस पर सिर्फ इन्जॉयमेंट का की कैरेक्टरिस्टिक हो, बल्कि इन्जॉयमेंट के साथ साथ बेसिकली जो पर्पज़ है आपका जिसमें लर्निंग आउटकम्स को अचीव करना है उसकी तरफ गेम्स बेस्ड होनी चाहिए. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड रियल वर्ल्ड वैल्यू ऑफ स्किल एंड कॉन्टेंट. सो गेम्स में जो आप सब्जेक्ट मैटर लेते हैं वो प्रॉपर एक कॉन्टेक्स्ट के साथ होना चाहिए. जो लर्निंग कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी बच्चों का चल रहा है क्लासरूम के अंदर उसी कॉन्टेक्स्ट में आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए. और उसमें जितने भी आप मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हों वो रियल वर्ल्ड वैल्यू होने के वैल्यू के साथ होने चाहिए ताकि जो है वो बच्चे डिफरेंट अपनी स्किल्स और कंटेंट जो हैं वो उनकी रिलेटेड हों, ऐसा ना वो फील करें कि वो कोई इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं. इनकरेज डीपर लर्निंग इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज बेस एंड स्किल टेस्ट्स, सॉरी स्किल सेट्स. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गेम्स बेस्ड लर्निंग इज दैट द गेम्स बेस्ड लर्निंग शुड इनकरेज डीपर लर्निंग इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज बेस एंड स्किल सेट्स. सो जो डीपर लर्निंग है वो बच्चों में इनकलकेट होनी चाहिए कि ये ना हो कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ गेम्स को इंजॉय कर रहे हों और उसके अंदर जो लर्निंग है उसको ग्रैस्प ना कर रहे हों कॉन्सेप्ट को और कॉम्प्रीहेंड ना कर रहे हों. तो इस वजह से कॉम्प्रीहेंशन डिवेलप करना थ्रू गेम्स ये मस्ट है. नेक्स्ट इज सीमलेस अकाउंटेबिलिटी फीडबैक इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेटर्स. सो अकाउंटेबिलिटी जो है वो गेम्स बेस्ड में जो असेसमेंट आप इसको कह सकते हैं वो कंटिन्यूस होनी चाहिए.
उसमें कोई इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए, और जो कंटिन्यूस फीडबैक है वो टीचर की तरफ से जाना चाहिए टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेटर्स को यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर आप इंट्रेंसिक मोटिवेशन देने के लिए बच्चों को गेम्स, वैसे ही इंट्रेंसिक मोटिवेशन बच्चे उसकी तरफ रखते हैं क्योंकि वो उसको इंजॉयमेंट का एक फीचर होता है उसमें, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स क्योंकि उनकी लर्निंग हो रही होती है और उसको आपने प्रोवाइड करना है, तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो मोटिवेशन उनमें इंक्रीज्ड होती है जब वो गेम्स बेस्ड लर्निंग के थ्रू आप उनको टीच कर रहे होते हैं। कंबाइन ऑडियो ग्राफिक्स एंड मूवमेंट इनटू एन इंटरैक्टिव एंड इमर्सिव एनवायरनमेंट। गेम्स जो है वो एक तो ये होता है कि आप क्लास के अंदर ही उसको इंट्रोड्यूस करवाएं और प्रैक्टिकली फिजिकली उसमें बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ गेम्स वो वाली नहीं होती कि जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ हों, बल्कि इसमें वो गेम्स भी हैं जो आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। तो गेम्स जो भी यूज़ कर रहे हों उसमें बेसिकली ऑडियो, चाहे वो टीचर की तरफ से हो या वो वीडियो की शक्ल में हो, ऑडियो वीडियो और ग्राफिक्स और इन चीज़ों का प्रॉपरली एवी एड्स का प्रॉपर यूज होना चाहिए ताकि जो एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट है वो डेवलप हो सके। प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लर्निंग इन गेमिंग एनवायरमेंट्स मैच विद करिकुलम गेमिंग आउटकम्स एंड लर्निंग आउटकम्स। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच बिटवीन द करिकुलम जिसमें आप गेमिंग आउटकम्स और लर्निंग आउटकम्स आपके मैच कर रहे हों, जो कि सब्जेक्ट मैटर और जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ उनका मैच होना भी इम्पॉर्टेंट है। गेम के अपने एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्योंकि उसमें बहुत सी डोमेन्स के साथ साइमल्टेनियसली बच्चा डिवेलप कर रहा होता है अपनी डिफरेंट डोमेन्स को, और जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो सब्जेक्ट मैटर बेस्ड होते हैं। सो इन दोनों के दरमियान में एक प्रॉपर मैच होना चाहिए। टाइम अवेलेबल location and resources, these three are very important factors when we are introducing games based learning in our classrooms. If you have a plenty of time, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम इतना मौजूद है कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर को कवर करने के साथ साथ डिफरेंट गेम्स को मैनेज कर सकते हैं आप अपनी क्लासरूम के अंदर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द लर्निंग आउटकम्स, तो आप फिर अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप गेम्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगेन लोकेशन जो है वो आपकी अगर क्लासरूम काफ़ी कंजस्टेड है, ओवर ज़्यादा लोग उसमें बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो तब भी उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी सिचुएशन। तो इस तरह से होनी चाहिए कि प्रॉपर लोकेशन जो है वो क्लासरूम की मौजूद होनी चाहिए, या क्लास से बाहर अगर आपके पास स्कूल में इतने जगह मौजूद होनी चाहिए, इतनी स्पेस होनी चाहिए जिसमें डिफरेंट गेम्स को मैनेज किया जा सकता हो और ऑर्गेनाइज किया जा सकता हो। देन इज़ रिसोर्सेज, बिकॉज डिफरेंट गेम्स को जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टूडेंट्स को, तो देन यू नीड डिफरेंट रिसोर्सेज टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज डिफरेंट गेम्स जो कि लर्निंग बेस्ड हों और अपने लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए हों, तो उसके लिए डिफरेंट रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं, और उन रिसोर्सेज को मैनेज करना बिफोर इंट्रोड्यूसिंग गेमिंग इन्वायरमेंट ये कंपल्सरी है। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड एक्टिविटीज, ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग, लर्निंग पैकेज। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्लासरूम ब्लाइंडली आप बच्चों को ये नहीं कह सकते कि लेट्स वी हैव अ गेम, और आप एक गेम ऑलरेडी जो चल रही होती है या बच्चे उससे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड होते हैं तो उसमें बच्चों को कह देते हैं कि आप ये खेलना शुरू कर दें। नो, ये उस तरह की गेम्स नहीं होती, बल्कि ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड गेम्स होती हैं जो कि लर्निंग आउटकम्स बेस्ड होती हैं, और उसमें साथ साथ स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें टीचर टाइम टू टाइम ब्रीफ कर रहा हो या डीब्रीफ कर रहा हो, और एक प्रॉपर एक लर्निंग पैकेज प्रोवाइड होना चाहिए बच्चों को जिसमें वो टीचर गाइडेंस के साथ लर्न कर रहे हों। बिल्डिंग इन रिफ्लेक्शन एंड कोलैबोरेशन, डेफिनेटली गेम्स हैं, गेम्स जब आप क्लासरूम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट ऑन द लर्निंग दैट व्हाट दे हैव लर्न सो फार, और जैसे जैसे एक गेम्स का एक पोर्शन अगर वो प्ले करते हैं और उसके बाद उनकी रिफ्लेक्शन टीचर्स को लेनी चाहिए कि वो उसमें खुद से क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, व्हाट दे आर लर्निंग, और द कोलैबोरेटिव एटीट्यूड शुड बी डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट्स व्हेन दे आर वर्किंग इन ग्रुप्स, एंड डेफिनेटली गेम्स जो हैं वो अकेले बैठकर तो नहीं खेली जा सकती, ग्रुप वर्क होता है, स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो टीचर गाइडेड होती हैं और टीचर को चाहिए कि वो प्रॉपर कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स में डिवेलप करें।
Now, what we have development options. First of all, you as a teacher, you can use entertainment games which are available already to you. School की library में मौजूद हो सकती हैं ऐसी games जो कि आप वहाँ से लेकर बच्चों को के लिए अपनी classroom के अंदर use कर सकते हैं, या जो already बच्चों के लिए बड़ी entertaining games जो हैं वो बच्चे खुद खेलते हों तो उनको उन गेम्स को यूज़ किया जा सकता है. जो और ये जो गेम्स होती हैं ये कल्चरल बाउंड होती हैं, एनवायरनमेंट बाउंड होती हैं. जिस तरह का आपके कंट्री में एनवायरनमेंट और कल्चर एग्जिस्ट कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी एंटरटेनमेंट गेम्स होती हैं. तो कल्चरल नॉर्म्स को और रिलीजियस नॉर्म्स को कॉन्टैक्ट में रखना ज़रूरी होता है व्हेन यू आर गोइंग टू चूज़ एनी एंटरटेनमेंट गेम्स. नेक्स्ट इज़ मॉडिफाई एंटरटेनमेंट गेम्स. जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, नेट पे मौजूद हैं एंटरटेनमेंट गेम्स हैं या स्कूल लाइब्रेरी में मौजूद हैं, तो टीचर कैन मॉडिफाई दोज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरटेनमेंट गेम्स अकॉर्डिंग टू द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द लेसन. और उसमें अगर वो कोई तब्दीलियाँ करना चाहता है तो वो खुद से कर सकता है. और कौन सी गेम्स हम यूज़ कर सकते हैं? यूज़ वर्चुअल वर्ल्ड्स, यानी जो आपकी वर्चुअल वर्ल्ड्स, यानी ऐसी गेम्स जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, बल्कि आप आईटी बेस्ड ऐसी गेम्स होती हैं जो कि वर्चुअली बच्चे खेलते हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, प्रैक्टिकल नहीं होती. तो उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर कंप्यूटर बेस्ड जो गेम्स हैं वो खेल रहे हों, कंप्यूटर लैब भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक कंप्यूटर जो है उसको क्लासरूम के अंदर अरेंज किया जा सकता है कि उसमें वन बाय वन या ग्रुप्स में आकर स्टूडेंट्स जो हैं उन गेम्स को के ज़रिए से सीख सकते हैं. सो दिस इज़ एन डेवलपमेंट ऑप्शन कि उसमें बच्चे जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. यूज़ एजुकेशनल गेम्स. एजुकेशनल गेम्स वाइडली मौजूद होती हैं, नेट पे मौजूद हैं और उनको ख़ुद से डेवलप भी किया जा सकता है. तो एजुकेशनल गेम्स जो कि पर्टिकुलरली ऑलरेडी इस तरह से डेवलप हुई होती हैं कि वो एजुकेट कर रही होती हैं स्टूडेंट्स को, तो उन एजुकेशनल गेम्स को भी यूज़ किया जा सकता है. क्रिएट गेम्स. समटाइम्स ऐसा होता है कि यू आर अनेबल टू फाइंड आउट एनी सूटेबल गेम विच इज़ अकॉर्डिंग टू द लर्निंग आउटकम्स ऑफ योर लेसन. सो इन दिस केस यू कैन क्रिएट योर ओन गेम्स फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग फॉर द स्टूडेंट्स. और ये जो है ये लर्निंग आउटकम्स बेस्ड होती हैं ऐसी गेम्स, और उसमें बच्चों के इंटरेस्ट को भी देखना होता है, उनकी कैपेसिटीज़ को भी देखना होता है व्हेन यू आर गोइंग टू चूज डिफरेंट गेम्स फॉर द स्टूडेंट्स. The last option you can use in your classroom is students create games, because games जो हैं वो that is very interesting element in the students' lives. तो children जो हैं वो उनके पास बहुत से ideas होते हैं वो अपने games को create करने के लिए. अगर आप जैसे हम बच्चों को कुछ classroom में जब teacher मौजूद नहीं होते तो बच्चे खुद से बहुत सी activities को create कर रहे होते हैं to kill their time. तो इसी तरह से जब आप एक कॉन्सेप्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनसे खुद भी आप उनसे भी ये पूछ सकते हैं कि किस तरह की गेम्स हमें अपनी क्लास में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, बल्कि उनके ग्रुप्स बना दें और उनसे कहें कि इस पर्टिकुलर जो आपको टास्क दिया गया है एजुकेशनल, उसको रिपीट करने के लिए और उसको समझने के लिए एक दूसरे को आप गेम्स इंट्रोड्यूस करें. तो ग्रुप्स में जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट बहुत अच्छी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग न्यू गेम्स जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं. नाउ हेयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गेम्स. इफ़ यू आर a good teacher, then you can use different games in your classroom which are according to the learning outcomes. And what are the characteristics of good games? जब आपने अपनी games को introduce करवाया है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि these games should contain following characteristics. Your games should be age appropriate. देन जो आपकी क्लास में देखें, ऑल्दो के एक ग्रेड सिस्टम हमारे यहाँ पर चलता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में ख़ास तौर पर ऐसा होता है कि आपकी जो एक ही क्लासरूम के अंदर या एक ही ग्रेड में डिफरेंट एजेस के बच्चे भी बैठे होते हैं.
तो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए गेम्स। उसके अलावा जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई ऐसी डिफ़िकल्ट गेम्स गेम इंट्रोड्यूस करवा रहे हो जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके एज उनके एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और वो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को परफॉर्म ही नहीं ठीक तरीके से कर पा रहे, और जब वो परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो उससे वो लर्न क्या करेंगे। सो एज अप्रोप्रिएटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इंटरेक्शन एंड फीडबैक, गेम्स शुड इन्वॉल्व डिफरेंट इंटरेक्शंस बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर, एंड द टीचर शुड बी प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस फीडबैक ड्यूरिंग द गेम। तो जैसे जैसे बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको कंटिन्यूस फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो इस तरह ये जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट शुड बी द पार्ट ऑफ गेम्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट गेम्स शुड बी अप्रोप्रिएट चैलेंज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। सो आप ये नहीं कर सकते कि फ्रॉम द इनिशियल जो आपका जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप गेम वहीं से वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो और डिफ़िकल्ट हो, नहीं ऐसे नहीं, जो बल्कि आपने इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी को चूज़ करना है। स्टार्ट में गेम को इजी होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता जब आप बच्चों को खिलाते जाएं तो उसको ग्रेजुअली उसमें डिफ़िकल्टी का एलिमेंट जो है दैट शुड बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट इज़ दैट द गेम्स शुड बी क्लियर अचीवेबल गोल्स होने चाहिए, गेम्स के सेट रूल्स होने चाहिए और मयरेबल आउटकम्स के साथ, और रिवॉर्ड्स भी लाजमी बच्चों को देने हैं। मयरेबल आउटकम्स में यह है कि टीचर को बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि वो गेम्स में बच्चों को उसने लगा दिया है तो अब उसके बाद जो है वो उसने जो आउटकम्स हैं उनको मयर करने के लिए बच्चों की लर्निंग को असेस नहीं करना, बल्कि जो जब आप गेम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो थ्रू आउट द गेम जो असेसमेंट है वो तो ऑन गोइंग असेसमेंट भी होती है, गेम्स में साथ साथ चल रही होती है। तो आउटकम्स की जो आपके आउटकम्स होते हैं वो मयरेबल भी होने चाहिए और उनको साथ साथ असेस भी करते रहना चाहिए। कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन, सो दिस सेंस शुड बी डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट्स बाय द टीचर दैट दे शुड वर्क कोलैबोरेटिवली व्हेन दे आर परफॉर्मिंग इन अ गेम कलेक्टिवली, एंड द सेंस ऑफ कंपटीशन शुड आल्सो बी देयर। ये नहीं हो सकता कि अगर वो मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की उसमें ना हो बच्चों में, बल्कि वो एक दूसरे को कम्पीट करने की जो आदत है वो भी बच्चों में डिवेलप करवानी चाहिए। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ अ सेफ इन्वायरमेंट टू एक्सप्लोर एंड इन विच टू मेक मिस्टेक्स। सो आप ऐसा ईजी इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करें जिसमें वो मिस्टेक्स अगर करते भी हैं उनकी करेक्शंस कर सकते हों, और इसी तरह से उनका जो इन्वायरमेंट है गेम्स का वो सेफ होना चाहिए, उनकी अबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी गुड गेम्स की, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड ये सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स दीज ऑल आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स फन। दैट मीन्स अगर आप बच्चों की कोलैबोरेशन कंपटीशन की स्किल डेवलप कर रहे हैं तो फन का एलिमेंट जो है वो हर कैरेक्टरिस्टिक के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, बिकॉज बेसिकली गेम्स जो हैं वो दीज गेम्स आर फन। और अगर फन का एलिमेंट वहाँ से आप निकाल देंगे जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है तो वो गेम जो है वो यूज़लेस हो जाएगी, क्योंकि गेम्स बेस्ड लर्निंग जो है उसकी अपनी कुछ उसके टारगेट्स होते हैं कि वो बच्चों के लिए फ़न क्रिएट कर रही होती हैं, तो फ़न का एलिमेंट जो है दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जो विजुअल आउटकम्स होते हैं, द विजुअल नेचर ऑफ गेम्स नॉट ओनली मेड द लर्निंग एक्टिविटी मोर फन एंड इंगेजिंग बट इट वॉज अ मच ईजियर वेट फॉर देम टू लर्न एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रक्शनल मैथड्स दे फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड। सो जो विजुअल आउटकम है गेम्स यूज़ का इन द क्लासरूम, विजुअली जब बच्चे उसको देख रहे होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो दे लर्न बेटर एज कम्पेयर टू लाइक लेक्चर मैथड और एनी अदर मैथड। ग्रेटर कोलेबोरेशन मौजूद होती है, स्टूडेंट्स इन्जॉय वर्किंग टुगेदर एंड वर्किंग एज अ टीम। मैनी लर्नर्स ऑल्सो इन्जॉय हेल्पिंग अदर क्लासमेट्स वैन दे एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज एंड द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट दे रिसीव्ड फ्रॉम टीम मेम्बर्स ड्यूरिंग गेम प्ले। तो कोलेबोरेशन के अपने कुछ फीचर्स होते हैं और जब बच्चे मिलकर गेम प्ले करते हैं तो उसमें कोलैबोरेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, बच्चे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, एक दूसरे के डिफ़िकल्टीज़ जब बच्चा एक फेस कर रहा होता है तो दूसरे बच्चे उसको हेल्प कर रहे होते हैं। सो जो गेम्स हैं वो कोलैबोरेशन इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं। कॉन्सनट्रेशन एंड फोकस, द एबिलिटी गेम्स टू शार्पन फोकस एंड कॉन्सनट्रेशन
both in the short term and over the long term. It may also impact on the perception of students' ability to learn. So कुछ बच्चे जो हैं वो लर्निंग को बड़ा यूज़लेस समझ रहे होते हैं और उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट व्हेन यू यूज़ डिफरेंट गेम्स इन द क्लासरूम, सो उनके लिए भी लर्निंग जो है वो एक मीनिंगफुल एक्टिविटी बन जाती है और इससे जो डिफरेंट बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी के प्रॉब्लम्स हैं, उनको शार्प करने में हेल्प मिलती है. नेक्स्ट इज़ टीम वर्क. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड पॉजिटिव एट्रीब्यूट टू गेम बेस्ड लर्निंग. The opportunity to work together, to share responsibility, to learn on one another and when stuck and so on. So जिसमें इसमें बच्चे जो हैं वो जब टीम वर्क में काम करते हैं तो वो बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर रहे होते हैं. इम्पैक्ट ऑन टीचर्स एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस. किस तरह से ये टीचर्स और उनके बिहाफ पर किस तरह से ये रोल प्ले करती हैं गेम्स बेस्ड लर्निंग. फर्स्ट वन इज़ एन्जॉयमेंट एंड मोटिवेशन. डेफिनेटली ये टीचर्स की साइड पर भी मोटिवेशन होती है और एन्जॉयमेंट का एलिमेंट जो है वो टीचर्स के लिए भी इसमें एग्जिस्ट करता है. बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट्स एज मच एज देयर स्टूडेंट्स ड्यू इन नो स्मॉल पार्ट टू द एन्जॉयमेंट एंड मोटिवेशन दे सी इन द चिल्ड्रन. इट अलाउज टीचर्स टू इंगेज इन द एक्टिविटीज which can also encourage students to want to take part if they see that their teacher is as well. तो बच्चे जो हैं वो जब टीचर को भी पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं गेम्स में तो वो काफ़ी मोटिवेशन उनमें आती है और वो बच्चों टीचर की तरह एक्ट करना चाह रहे होते हैं और टीचर को फॉलो करते हैं, तो इस वजह से भी ये एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. What is the teacher role in when they are introducing games in their classrooms? Teachers are finding that their role in is changing in various ways. It allows the chance to interact more, such as spending less time up at the whiteboard talking and more time with smaller groups and seeing how they are going. So जब एक small group level पर teacher interact करता है तो he has the opportunity to learn more about the students' abilities, their strengths and how they are performing. उनकी even habits के बारे में teachers को पता चलता है जब वो games में बच्चों को observe करते हैं. क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरह से अफेक्ट करती है, इम्पैक्ट क्या है गेम्स का. टीचर्स इन्जॉय बीइंग एबल टू वर्क विद एंड असेस स्पेसिफिक ग्रुप्स बट नीड टू कीप इन माइंड दैट दे हैव टू बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू कीप द गेम रनिंग एंड मूव ग्रुप्स ऑन थ्रू देयर टास्क. इट ऑल कम्स डाउन टू बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अगर इस एलिमेंट को आप मिस कर रहे हैं तो आपका क्लासरूम दैट क्लासरूम विल बी मोर लाइक अ मेस इंस्टेड ऑफ अ क्लासरूम. तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो प्रॉपरली क्लास को मैनेज कर रहे हों. यूजिंग गेम्स कैन लीड टू टीचर्स बिकमिंग मोर ICT ओरिएंटेड. दे फील द गेम्स themselves आर मेकिंग them मोर अवेयर ऑफ थिंग्स दैट आर आउट देयर. सो अगर आप कंप्यूटर बेस्ड गेम्स को क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं तो उससे टीचर्स की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं. टीचर खुद भी सीख रहे होते हैं कि किस तरह से ICT बेस्ड गेम्स जो हैं उनको भी क्लासरूम में यूज़ किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है. Here are few benefits of games-based learning. Using games in the classroom, it creates popularity of gaming, interactive. So the teacher who is using games in the classroom, different ICT-based or physical जो होती हैं games, उनको use कर रहे हो, उनकी class जो है वो popular हो जाती है school में. Attractive एक attraction होती है for other learners के फ़लां जो टीचर हैं वो क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा गेम्स करवाते हैं. सो एक जो दूसरे लर्नर्स होते हैं उनके लिए भी और जो आपके अपने क्लासरूम के लर्नर्स हैं उनके लिए भी एक अट्रैक्शन डेवलप होती है गेम्स में और उनकी क्लासरूम में उनका वो मोटिवेशन फील करते हैं. फन फैक्टर है उसमें, अटेंशन कैप्चर करता है टीचर गेम्स को यूज़ करके और इंस्पायर एंड मोटिवेट लर्निंग. बच्चे जो हैं वो बड़ी खुशी से फिर लर्न कर रहे होते हैं. अपॉर्चुनिटी फॉर रियल एक्सपीरियंसेस, बिकॉज जो गेम्स हैं वो रियल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस कर रही होती हैं. ऑथेंटिक लर्निंग एक्सरसाइजेज आप करवा रहे होते हैं इन वर्चुअल वर्ल्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं.
तो रीसेट इफ नीडेड, अगर आपने वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसको साथ साथ रीसेट करते रहें, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर की गेम्स को यूज़ करें तो उसमें आपको जो वर्चुअल वर्ल्ड वहाँ पर दिखाई जा रही होती है उसके बारे में क्लास में बात भी करनी होती है और उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। सो ये एक इंटरेक्शन होती है और लर्नर्स कैन डिवेलप एंड टेस्ट थेरीज नॉट फिजिबल इन रियल लाइफ, जो ऐसी थेरीज जो कि रियल लाइफ में ज़्यादा फिजिबल नहीं होती, तो उनको वो आईसीटी बेस्ड गेम्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लर्न कर पाते हैं। डिफरेंट चैलेंजेस चूँकि इसमें पोस्ट किए जाते हैं और बच्चे जो हैं उन चैलेंजेस को मीट कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट टास्क बच्चों को दिए जा रहे होते हैं, तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना बच्चे सीख रहे होते हैं। जब वो गेम्स के में काम कर रहे होते हैं ग्रुप वर्क में, तो डिफरेंट ऐसे प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे होते हैं उनकी उनको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इस तरह से बच्चे जो हैं उनमें डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर डिवेलप होती है। फ्यू मोर बेनिफिट्स ऑफ गेम्स बेस्ड लर्निंग व्हेन इट इज़ नोटिस्ड ऑन प्लेसमेंट। गेम्स बेस्ड लर्निंग अप्रोचेज बिल्ड ऑन मैनी चिल्ड्रंस एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट स्किल्स एंड नॉलेज। तो बच्चों की जो ऑलरेडी उनकी आपकी क्लासरूम के अंदर उनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर बेस करती हैं गेम्स, और उनकी जो ऑलरेडी स्किल्स वो डेवलप कर चुके हैं उनको यूज़ करने के लिए गेम्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। न्यू स्किल्स को सिखाना जो है वो टाइम टू टाइम साथ साथ चलता रहता है गेम्स में, लेकिन बेसिकली जो ऑलरेडी लर्न स्किल्स और नॉलेज होते हैं उनको वो अप्लाई कर रहे होते हैं गेम्स में। गेम्स बेस्ड लर्निंग अप्रोचेज हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज टीचर मोटिवेशन एंड गेम्स बेस्ड अप्रोचेज प्रेजेंट एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू इंगेज स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज़ विच कैन इन्हेंस लर्निंग एंड प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ एजुकेशनल बेनिफिट्स। एंड थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज़ गेम्स बेस्ड लर्निंग अप्रोचेज कैन इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स। सो ओवरऑल एक कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट डिवेलप होता है व्हेन वी आर यूजिंग गेम्स इन आवर क्लासरूम्स। हेयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ गेम बेस्ड लर्निंग। करिकुलम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है? द चैलेंज फॉर टीचर्स टू आइडेंटिफाई हाउ अ सर्टन गेम वुड कनेक्ट टू द करिकुलम। कनेक्शन को डिवेलप करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गेम्स जब आप चूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें एक काफ़ी हैवी एलिमेंट जो है वो फ़न का आ जाता है, तो उसमें उसको करिकुलम को इन टच रखना, इंटैक्ट रखना वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिफ़िकल्टी विद इंटीग्रेटिंग द प्ले ऑफ द गेम इन टू द टाइम स्ट्रक्चर ऑफ द डे ऑफन इन 45 मिनट क्लास। तो उसको टाइम बाउंड रखना और ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना जो कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा रहा हो और किया कर सकते हो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को चूज़ करने में टीचर्स को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। द चैलेंज फॉर टीचर्स टू आइडेंटिफाई द एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द गेम। सो इस चीज़ को देखना कि कोई अनएथिकल गेम उसके अंदर ना हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट उस गेम में इंट्रोड्यूस ना हो। ये ख़ास तौर पर ऐसी गेम्स में ये प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप ऑलरेडी डेवलप्ड गेम्स जो हैं वो नेट से ले रहे होते हैं और उसको क्लासरूम में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें टीचर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो पहले से उस गेम को प्रॉपरली उसने उसको देखा हो और उसको बल्कि प्रैक्टिकली खेल के भी देखा हो ताकि उसको पता हो कि उसमें कोई भी ऐसा कॉन्टेंट नहीं है जो कि बच्चों की एज अप्रोप्रिएट ना हो या एक्यूरेसी ना हो उसमें। इररिलेवेंट और डिस्ट्रैक्टिंग कॉन्टेंट फ्रॉम द गेम दैट कुड नॉट बी रिमूव्ड। सो समटाइम्स आपको उस गेम का पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा ऐसी कोई ऐसा कोई उसमें स्ट्रक्चर है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चूंकि ऑलरेडी बनी हुई गेम है तो उसमें से समटाइम्स उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। द चैलेंज इन परसुएडिंग अदर स्कूल स्टेक होल्डर्स टू द वैल्यू ऑफ द गेम इन द क्लास रूम। समटाइम्स ऐसा होता है व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू गेम्स इन योर क्लास रूम एंड योर फेलोज़ आर गॉसिपिंग अराउंड के जी ये पता नहीं ये क्या करते रहते हैं अपने क्लास में, तो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं क्लासरूम्स स्कूल्स में उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है उनको ये, और ये एक समटाइम्स एक चैलेंज बन जाता है। लैक ऑफ अवेलेबल टाइम फॉर टीचर्स टू लर्न द गेम एंड जनरेट बेस्ट प्रैक्टिस विद इन विद इट। क्योंकि फिर टीचर को एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि वो पहले से उस गेम को खुद से फेमिलराइज करे, तो उसके लिए उसको एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। लैक ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ऑन द इफेक्टिव यूज़ ऑफ गेम्स इन द क्लासरूम।
The last limitation is regarding assessment. That is, traditional assessments do not often align with game-based learning. So new models and approaches must be considered, and oftenly it is very difficult when the without any training to the teachers. Teacher training जब proper नहीं हो रही होती कि उन्होंने games को assess कैसे करना है, उसके अंदर assessment को कैसे लेकर आना है, तो वो teachers के लिए एक limitation हो जाती है. Now catering for individual needs. कि किस तरह से जो गेम्स हैं वो इंडिविजुअल नीड्स को किस तरह से कैटर कर रही होती हैं. कैटरिंग फॉर इंडिविजुअल्स इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी सो दैट एवरी वन इज़ इंगेज्ड एंड लर्निंग सक्सेसफुली. टू कैटर फॉर इंडिविजुअल नीड्स आई यूज गार्डनर्स थेरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस टू गाइड माई प्लानिंग सो दैट वी आर बेटर इन अ बेटर फेज टू लर्न एंड डिफरेंट इंगेज द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट लर्नर्स इन द क्लास. For example, in a numeracy lesson, ensure I have elements or focuses that appeal to visual learners, linguistic learners, etc. क्योंकि आपकी क्लास में डिफरेंट इंडिविजुअल नीड्स के साथ क्लासरूम में बच्चे मौजूद होते हैं और उनको जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उनके लिए डिफरेंट हमें उनकी नीड्स का ख्याल रखना पड़ता है. और गेम्स में इंडिविजुअल नीड्स को ख्याल रखना जो है वो काफ़ी टेक्निकल काम हो जाता है. सो गार्डनर की थेरी को क्लासरूम में यूज़ करना करना जो है वो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है जब आप गेम्स को यूज़ कर रहे होते हैं इन द क्लासरूम. वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट हाउ गार्डनर्स थेरी कैन बी यूज्ड व्हेन वी आर यूजिंग गेम्स इन आवर क्लासरूम फॉर द लर्निंग पर्पस. सो टिल नाउ थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पोस्ट इन द गूगल क्लासरूम. थैंक यू.